नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज दोस्तों मैं हूँ गांधीनगर जिले के मानसा तालुका के अमरापुर विलेज में। और ये आप देख सकते हैं, ये रास्ता है स्वप्न सृष्टि वाटर पार्क की ओर जाने का। और यहाँ पर बीच में ही एक मंदिर आया हुआ है और आज उस मंदिर के आपको दर्शन करवाने वाला हूँ। ये मंदिर है दोस्तों राठौड़ वंश की कुल देवी नागनेश्वरी माता का। और बहुत ही बढ़िया मंदिर यहाँ पर जो है वो राठौड़ वंश के वंशजों के द्वारा जो है यहाँ पर बनाया गया है। तो आज उस मंदिर की आपको विजिट करवाने वाला हूँ। तो आइए अभी चलते हैं मंदिर के अंदर और माता जी की मूर्ति के साक्षात स्वरूप के आपको दर्शन करवाते हैं। तो अभी हम धीरे धीरे जो है वो मंदिर के अंदर जा रहे हैं। और ये देखिए मंदिर का पूरा परिसर, काफी बड़ा परिसर है। इस मंदिर की स्थापना दोस्तों साल 2000 में आसो वद आठम के दिन की गई थी। इस मंदिर के निर्माण में जिन भामाशाहों का प्रमुख योगदान रहा है उनमें से राठौड़ तकत सिंह जी, राठौड़ शंकर सिंह जी और राठौड़ नटवर सिंह जी, इन भामाशाहों की परिकल्पना से ही माता जी के जीवंत स्वरूप की, माता जी के साक्षात स्वरूप की मंदिर के रूप में यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो आइए साक्षात माँ नागनेश्वरी माता के दर्शन करते हैं और माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर की स्थापना के बाद दोस्तों गांव अमरापुर में पूरा राजपूत समाज इकट्ठा हुआ था और मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया गया था। तो आप भी दोस्तों मंदिर के अंदर विराजमान माँ नागनेश्वरी माता के साक्षात और अलौकिक दर्शन कीजिए और माता जी का आशीर्वाद अवश्य से प्राप्त करिए, माता जी के दर्शन का लाभ अवश्य लीजिए। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के प्रथम पुजारी के रूप में श्री शिवगिरी गोस्वामी महाराज को नियुक्त किया गया था। और आज उनके देवलोक गमन के बाद वर्तमान पुजारी हीरालाल जी सोमनाथ जी रावल और उनके परिवार के द्वारा निरंतर माता जी की पूजा और अर्चना की जा रही है। दोस्तों हमने माता जी के दर्शन कर लिए हैं और अभी ये जो बता रहा हूँ मैं आपको माता जी के मंदिर के परिक्रमा करने वाला स्थान है। चारों तरफ आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड है और बीच में मंदिर बना हुआ है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। दोस्तों इस मंदिर के निर्माण से लेकर के स्थापना से लेकर के अब तक के सभी कार्यों में श्रीमान पोपट सिंह जी, विसाजी राठौड़ और गांव अमरापुर के सभी राजपूत समाज के परिवारों और आसपास के गांवों के राठौड़ वंश के राजपूत समाज के परिवारों का भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। माँ नागनेश्वरी माता की कृपा परम्पार है और माता जी अपने भक्तों को समय समय पर अपना पर्चा भी देती है। जो दंपति यहाँ पर निसंतान आते हैं उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिनका वीजा अप्रूव नहीं हो रहा होता है उनको वीजा की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से यह मंदिर जो है वो दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक और अलौकिक है। तो आप भी दोस्तों इस मंदिर की अगर मुलाकात लेना चाहते हैं तो जरूर से आइए। बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत ही शांत और प्रकृतिपूर्ण वातावरण में मंदिर बना हुआ है। माँ नागनेश्वरी सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करे, इसी आशा के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पर पूर्ण करता हूँ। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।
थैंक यू सो मच।